कोरोना काल में गत वर्ष महानगर पालिका की आय पर भले ही विपरीत असर पड़ा हो, लेकिन इस वर्ष कई विभागों में अच्छी आय हुई है। अधिकांश विभागों का प्रदर्शन अच्छा होने के बावजूद महानगर पालिका का अपनी संपत्ति पर ध्यान ही नहीं रहा है। यही कारण है कि अब तक स्थावर विभाग के राजस्व में नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्थावर विभाग के राजस्व घटने की जानकारी स्थायी समिति सभापति प्रकाश भोयर ने उजागर की। महानगर पालिका की स्थायी समिति सभापति प्रकाश भोयर ने कहा कि संदर्भ में अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा। आंकड़े प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताया कि गत वर्ष स्थावर विभाग से 2,09,00,000 की आय हुई थी, जबकि इस वर्ष अब तक 81,61,000 की आय हो पाई है। स्थावर विभाग पूरी तरह विफल हो गया है, जबकि अन्य विभागों से अच्छी आय हुई है। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक नगर रचना विभाग की ओर से राजस्व प्राप्त किया गया है। गत वर्ष नगर रचना विभाग से केवल 10,11,00,000 की आय हुई थी। हालांकि दौर कोरोना के संकट काल का था, किंतु इस वर्ष भी त्रासदी होने के बावजूद अब तक नगर रचना विभाग ने 111,42,00,000 की आय प्राप्त की है। एक और नगर रचना विभाग अच्छी आय प्राप्त कर रहा है, वही स्थावर विभाग सस्ती दरों पर अपनी संपत्ति लीज पर दिए जाने के बावजूद लीज धारकों से वसूली करने में नाकाम रहा है। इससे विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है। लीज धारकों से वसूली क्यों नहीं हो पाई, इसे लेकर अधिकारियों से जवाब तलब किया जाएगा। इसके अलावा पानी से गत वर्ष मनपा को केवल 80,83,00,000 की आय हुई थी, जबकि इस वर्ष 92,31,00,000 तक आंकड़ा पहुंच गया है। संपत्ति कर विभाग में भी 21% अधिक वसूली आंकी गई है। बाजार विभाग द्वारा भी इस वर्ष अच्छी वसूली की गई है। गत वर्ष 1,58,00,000 की वसूली हुई थी, जबकि इस वर्ष 3,08,00,000 रुपए का राजस्व जमा हुआ है। आजच्या सभेमध्ये 11,62,59,541 रुपयाला आपण प्रशासकीय मंजुरी दिली आणि त्याचप्रमाणे निविदा मंजुरी म्हणून आपण 10,42,16,561 रुपयांना निविदा मंजुरी दिली। माझ्या संपूर्ण कार्यकाळाचा जर विचार केला तर प्रशासकीय मंजुरी आपण संपूर्ण काळात 61,62,51,577 रुपयाला एकूण प्रशासकीय मंजुरी दिली, पण एकूण निविदा मंजुरी आपण आजपर्यंत 93,61,22,842 रुपयाला आपण मंजुरी दिली आहे। त्याचप्रमाणे मागच्या वर्षीचा कोरोना काळ असल्यामुळे कोरोना काळात फार कमी प्रकारचं कमी उत्पन्न झालं होतं। नगर रचनामध्ये मागच्या वर्षी या वेळेसपर्यंत फक्त 10,11,46,174 रुपये उत्पन्न झालं होतं, पण आजच्या डेटपर्यंत आज या वर्षी याच डेटपर्यंत आपण 111,42,12,577 रुपयेचं आपण आतापर्यंत उत्पन्न केलेलं आहे। ॲक्च्युली आम्ही बजेट तयार करत असताना फार मोठ्या प्रमाणात कोरोनाची परिस्थिती होती आणि यावर्षीसुद्धा अशीच परिस्थिती राहील का ही आम्हाला शंका होती, पण त्या शंकेवर नंतर बजेट कोरोना सुधारला आणि आम्ही फक्त 86 करोडच रुपये नगर रचनामधून येईन असा कल आमचा होता, पण आजच्या परिस्थितीत आजच हा टार्गेट जे आमचं टार्गेट आहे हो तो 86 करोडच्या होता। आजच आम्ही 10व्या महिन्याच्या शेवटी आम्ही 111,11,00,000 आहे। आमचा मानस अजूनही 300 करोडच्या वर जाण्याचा आहे आणि त्या पद्धतीचे आमचे प्रयत्न सुरू आहेत। आणि मागच्या वर्षी वर्षभरात गुंठेवारी नागपूर कॉर्पोरेशनमध्ये असल्यामुळे मागच्या वर्षभरात 66 करोड झाले आणि यावर्षीसुद्धा गुंठेवारीचे 26 करोड झाले, पण ते काही दिवसपर्यंत आमच्या कॉर्पोरेशनकडे ती गुंठेवारी होती, नंतर ते NIT कडे अशी चालल्या गेल्यामुळे नंतर त्याचं उत्पन्न स्टॉप झालं। त्याचप्रमाणे बाजार विभागामध्ये आम्ही मागच्या वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत 158,00,000 रुपये आमची आवक होती आणि यावर्षी मात्र 308 लक्ष म्हणजे अर्थातच 149,00,000 रुपये आमची आवक जास्त झालेली आहे।